ईद नजदीक आने वाली है, फोन करके लोगों से पूछता हूँ किस किस ने कुर्बानी हमसे करवानी है, बताता हूँ सबसे पहले। अस्सलाम वालेकुम अली भाई, क्या हाल है? ठीक ठाक है जी, शुक्र अल्लाह का, मैं भी ठीक ठाक हूँ। अली भाई माशाल्लाह कुर्बानी ले ली आपने जी? माशाल्लाह माशाल्लाह मुबारक हो। कुर्बानी को ज़िबा भी करना है ना, तो उसके लिए तो फिर हम आएंगे। आपको पता है हर साल हम लोग आपकी कुर्बानी सबसे पहले करते हैं, इस साल भी हम आपकी कुर्बानी करेंगे जी। जी कितने बजे नमाज होगा आपकी तरफ? 7 बजे, 7:15 पे हम आपके पास होंगे, ठीक है, ताकि सबसे पहले आपकी कुर्बानी हो जाए। ओह नो जी, ठीक है। नहीं नहीं, आपको पता हमेशा की तरह हम लेट नहीं करते, सबसे पहले आपकी कुर्बानी करते हैं। 7:15 पे आपके पास एकदम जी, डन हो गया। घबराने की जरूरत नहीं अली भाई, 7:15 पे आपके पास। ओके ओके, दूसरे से पूछता हूँ मैं, तो कुर्बानी ले लिया कहते जी? ठीक ठाक, आप सुनाए, ठीक है? तो माशाल्लाह ईद आने वाली है, ईद कुर्बान, तो आपने कुर्बानी ले ली होगी माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। तो फिर उसकी उसको ज़िबा करने के लिए तो जाहिर सी बात है चाहिए जी। ज़रूर ज़रूर, नहीं मेरे पास बुकिंग नहीं है, फ्री हूँ मैं। कितने बजे नमाज है आपकी तरफ? 7 बजे, 7:15 आपके पास। ओह नो, ताकि सबसे पहले कुर्बानी आपकी हो जाए। नहीं नहीं, आपको पता है कि हम हमेशा टाइम पे आते हैं और टाइम से आपकी कुर्बानी करते हैं, तो इस दिन क्यों लेट करेंगे? ओह नो जी, 7:15 पे। घबराने की जरूरत नहीं है, सबसे पहले आपकी कुर्बानी, पहले हम आप ऐसा करते हैं, सबसे पहले आपकी कुर्बानी करते हैं जी। ठीक हो गया, ठीक हो गया, अल्लाह हाफिज। जी जी कसाई साहब, किधर हो आप? कब तक आओगे यार? जी मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ। नमाज आपने पढ़ ली है? जी जी मैंने नमाज पढ़ ली है। ओके, जानवर को पानी पिलाए, 5 मिनट में मैं आपके पास, मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ। ओके ओके। हाँ जी मलिक साहब, कहाँ रह गए हो यार? देखो यार, आपके सुबह के 5 मिनट नहीं हुए अभी, टाइम देख लो क्या टाइम हो गया यार। देखो सब रिश्तेदार भी आ गए कब से। अली भाई मैं आपकी तरफ ही आ रहा हूँ, बस 5 मिनट। देखो यार, आपके सुबह के 5 मिनट नहीं हुए अभी, टाइम देख लो क्या टाइम हो गया यार। देखो सब रिश्तेदार भी आ गए हैं कब से यार। आप ओके, 5 मिनट में आ रहा हूँ। ओके जी जी मलिक साहब, कहाँ रह गए हो? आपका बस मैं आपके पास पहुंच रहा हूँ, पेट्रोल खत्म हो गया गाड़ी का यार, पेट्रोल पंप की तरफ जा रहा हूँ, उसके बाद सीधा आपकी तरफ। कौन से दोजख के रास्ते पे जा रहे हो? दस मिनट का रास्ता नहीं है, बस पेट्रोल डलवा के मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ। ओके ओके। 20 मिनट्स लेटर। हाँ जी मलिक साहब, देख लो टाइम ऊपर से क्या हुआ, सब लोगों ने कुर्बानी कर ली, सब फ्री भी हो गए हैं। ओह क्या मुसीबत है, फिर फोन करती है जी। अली भाई गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया, पेट्रोल डलवा रहा हूँ पेट्रोल पंप से, सिर्फ 10 मिनट तक आपके पास। देखो यार मर्जी है आपकी, नहीं यार आपने नहीं आना तो फिर बता दो। तरफ आ रहा हूँ, रास्ते में ही हूँ, बस मैं 10 मिनट तक आया, 10 मिनट तक आया। सबसे पहले जानवर आपके करेंगे, आप घबराने की जरूरत नहीं है। Approximately 10 hours later. शाम हो गई है, अभी तक नहीं आया, ये क्या यार ड्रामा है इसका। हेलो मलिक साहब जी, यार बता दो आने है कि नहीं आना? मजहब के साथ थोड़ा लेट हो गया, आपकी तरफ ही आ रहा हूँ, बस 10 मिनट में आ रहा हूँ। नहीं आना, सबका कुर्बानी हो गया, मगरब की अजान हो गई है, अभी तक नहीं आ पाए। वो थोड़ा सा काम पड़ गया था इमरजेंसी, इसलिए थोड़ा लेट हो गया, आपकी तरफ ही आ रहा हूँ, जल्दी आओ। Approximately 10 hours later. जी, आप बताओ आप कौन सा बहाना है? गाड़ी पंक्चर हो गई यार, वो पंक्चर लगवा रहा हूँ, आपकी तरफ आ रहा हूँ। चलो आपकी अब गाड़ी पंक्चर हो गई है,
ठीक है यार, देखो गलत बयानी नहीं ना सही होती, तो तब उस टाइम आपने देख के ऑर्डर लेने थे ना, तो आप बता रहे बोल रहे थे कि मैं सुबह सुबह आ जाऊंगा, अभी देखो टाइम क्या हुआ है। मजदूर के साथ थोड़ा लेट हो गया, आप किधर गया? बस 10 मिनट में आ रहा हूँ, वो थोड़ा सा काम पड़ गया था इमरजेंसी, इसलिए थोड़ा लेट हो गया। आप किधर गया? आ रहा हूँ। चले ठीक है, नहीं आना तो फिर बता दो, नहीं सुबह का क्या, 5 मिनट 5 मिनट ऊपर से टाइम देखो। चल चले ठीक हो। Snoop Dogg.